हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शिल्पकार जो मिट्टी होता है तो हम इसको बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उसी से आप इसको कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे बना के कैसे ये होता है। और आप ये शिल्पकार जब रेडी हो जाएंगे तो इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ज्वेलरी और क्राफ्ट के जो पिक्चर होते हैं वो भी बना सकते हैं। इसके लिए हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको ये शिल्पकार जैसा एक मटेरियल बनाएंगे जो हम इसको क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक बर्तन में ये हमारा कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर पाउडर इसको लेते हैं। ये कॉर्नफ्लावर पाउडर है तो पहले इसका कुछ ले लेते हैं, इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर तो इसमें डालते हैं। आपके हिसाब से आप ले लीजिए कितना चाहिए आपको, जो भी मटेरियल्स आपको बनाना है उसके हिसाब से आप इसको लेना है। तो हम इतना ले लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ग्लू है, ये हमने एक ग्लू लिया, वाइट कलर के जो ग्लू बाज़ार में मिलते हैं इसी तरह से एक ग्लू है। तो ये ग्लू को हम इसमें डालते हैं और इसको हम मिलाएंगे। अगर ज़्यादा ये टाइट हो गया तो इसमें थोड़ा और ग्लू दे सकते हैं। देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाइए। दूसरा जो काम है ये है, ये नींबू है, नींबू को आप ये नींबू बाज़ार में मिल जाता है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा काट लेंगे। नींबू काट लिया तो इसका थोड़ा हम इसको दे देंगे इसमें। अभी हम क्या करेंगे, इसको मिलाने के बाद ये एक्रिलिक पेंट है जो पेंटिंग में काम आता है, वही एक्रिलिक पेंट व्हाइट कलर जो है उसको हम ले लेंगे। ये व्हाइट कलर है एक्रिलिक पेंट, थोड़ा इसमें दे देंगे, थोड़ा ये पेंट दे देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है ये सॉलिड हो जाएगा, इसके लिए एक्रिलिक पेंट से थोड़ा सॉलिड हो जाएगा इसको। तो ये एक्रिलिक पेंट ले लिया हमने तो इसको थोड़ा मिला देंगे, अच्छी तरह से इसको मिलाना है। तो अभी इससे कुछ बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इससे। तो देखिए इससे बनाते हैं।